हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिस्ट्रो ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए आरसीएस सीरीज का पार्ट 41, जिसमें हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने रेड हैट 9 सिस्टम के ऊपर आप कॉकपिट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिससे आप मॉनिटर कर सकते हो, अपने सर्वर को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो एक ग्राफिकल व्यू पे। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर बात करेंगे हम कॉकपिट क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कॉकपिट एक्चुअल में होता क्या है। तो कॉकपिट की अगर बात करें तो कॉकपिट एक ऐसा टूल है जो कि आपके लिनक्स को एक जीएनयू डिस्कवरेबल बनाता है, यानी ग्राफिक्स में आप इसे एक्सेस कर सकते हो। सीओ सर्वर इन अ वेब ब्राउजर, इसके जरिए आप वेब ब्राउजर में अपने पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे सर्वर को मैनेज कर सकते हो। परफॉर्म सिस्टम टास्क विद अ माउस, यानी आप माउस के साथ में सारे काम कर सकते हो। कॉकपिट जो है वो काफी इजी टू यूज है। इसके अलावा ये लाइट वेट है, सिंपल है, आपका पावरफुल रिमोट मैनेजर है। एक तरीके से आप रिमोट ले रहे हो, ऊपर से लाइट वेट है। वैसे रिमोट लेने के लिए आपको टूल यूज करना पड़ता है, यहाँ पे आपके पास जो भी वेब ब्राउजर अवेलेबल है वहां पर आप अपने लिनक्स को मैनेज कर सकते हो। कॉकपिट डज नॉट नीड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए अलग से कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई अलग से टूल नहीं चाहिए। एक बार आपने अगर कन्फिगरेशन कर दी देन ये आपका रेडी टू यूज है। कॉकपिट इज फ्री एंड ओपन सोर्स, कॉकपिट जो है वो फ्री टूल है, ओपन सोर्स वेब बेस्ड सिस्टम मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। इट इज बींग डेवलप्ड बाई रेड हैट, और इसे जो डेवलप किया है वो किसने किया, रेड हैट ने किया हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर। तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पे, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके रेड हैट 9 और रेड हैट 8 के अंदर जो है बाय डिफॉल्ट कॉकपिट का जो टूल है वो अवेलेबल होता है। चेक करने के लिए हम यहाँ पर कमांड चलाते हैं। देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर कमांड रन कराऊंगा, यम इन्फो एंड देन कॉकपिट, राइट। ये कमांड रन कराता हूं मैं और देखते हैं यहाँ पर पैकेज अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो जो आपका पैकेज है कॉकपिट वो यहाँ पर अवेलेबल है। @ सिस्टम आ रहा है, मीन सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो रखा है, राइट। यहाँ पर सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर अगर आप यम इंस्टॉल करोगे तो ये आपको एरर दे देगा कि यहाँ पहले से अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर यम इंस्टॉल करके भी आपको दिखा देता हूँ कॉकपिट, अगर किसी वजह से आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, किसी ने इंस्टॉल कर दिया है समटाइम, देन आप उस केस में क्या कर सकते हो, इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। यम इंस्टॉल कॉकपिट चलाओगे इंस्टॉल हो जाएगा, बट अभी मेरे केस में यहाँ पर क्या है कि अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं इसके बाद, यहाँ पर सबसे पहले इसकी सर्विस को चेक करते हैं, सिस्टम सीटीएल एंड देन स्टेटस। पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस एंड कॉकपिट। अभी जो स्टेटस है वो क्या आपका इनएक्टिव है, एंड इनएक्टिव है तो हम इसे सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं और इनेबल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिस्टम सीटीएल और स्टार्ट कमांड चलाऊंगा, स्टार्ट एंड स्टार्ट कर देता हूं मैं कॉकपिट को, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रहा है, लेट इट बी कंप्लीट। स्टार्ट हो जाने के बाद अगला काम यहाँ पर क्या करना है आपको, इसे इनेबल भी कर लेना है। तो इनेबल कर देता हूं मैं यहाँ पर, इनेबल, जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है। तो इनेबल भी आपको, ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िग, हैव नो इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िग सेटिंग, ओके, ठीक है। स्टैटिक है यहाँ पर, स्टैटिक है तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ले लेगा, बट ठीक है, दैट्स ओके, हमने इनेबल कमांड चला दी। अगला काम आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको फायरवॉल के अंदर इसकी एंट्री करनी है। तो फायरवॉल के अंदर आप एंट्री यहाँ पर कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर फायरवॉल एंड फायरवॉल हाइफन सीएमडी करोगे, हाइफन हाइफन ऐड करोगे एंड सर्विस करोगे, और सर्विस हमें कौन सी करनी है यहाँ पर, कॉकपिट करनी है, कॉकपिट, एंड कॉकपिट जो हमें करनी है वो परमानेंटली करनी है, तो हाइफन हाइफन परमानेंट लगा दो एंड एंटर कर दो, ठीक है। तो सक्सेस, तो ये दिखा रहा है ऑलरेडी इनेबल, ठीक है, ये भी पहले से अवेलेबल है, देखो ऑलरेडी पहले से इनेबल हो रखा है। तो जब हमने चेंज किया तो एक बार हमें फायरवॉल सीएमडी रिलोड भी करना जरूरी है, हाइफन हाइफन रिलोड और एंटर कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो दैट मींस हमें यहाँ पे देखो सबसे पहले जरूर क्या चाहिए, हमारे पास कॉकपिट अवेलेबल था, फायरवॉल पे इनेबल हो रखा था, सिर्फ हमें इसकी सर्विस स्टार्ट करनी थी। तो सर्विस हमने स्टार्ट कर दी, और देन इसके बाद अगला काम आपको जो करना है यहाँ पर वो क्या करना है, आपको जाना है अपने सेकंड सिस्टम में, या फिर आप जहाँ भी इसका रिमोट लेना चाहते हो वहां पर आपको एक वेब ब्राउजर चाहिए। तो अभी मैं हूँ इस क्लाइंट मशीन पे, मैं चला जाता हूँ सेकंड मशीन पे। तो यहाँ आ चुका हूँ मैं मशीन 2 पे, और यहाँ पर मुझे नीड है फायरफॉक्स की। तो यहाँ पर फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं, फायरफॉक्स एंटर, तो फायरफॉक्स ओपन होने देते हैं, ठीक है। फायरफॉक्स देखो ओपन हो रहा है, ठीक, देखो फायरफॉक्स ओपन हो चुका है यहाँ पर, ओके। इससे पहले डबल फायरफॉक्स हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से आपको इसका रिमोट लेना है मशीन का,
तो वो चीज बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, HTTP राइट, HTTPS एंड देन कॉलन देन स्लैश स्लैश एंड देन यहाँ पर आपको आईपी देना है अपनी सेकेंड मशीन का, जहाँ जिसका आप यहाँ पर रिमोट लेना चाहते हो। तो मैं आईपी चेक कर लेता हूँ इस कॉन्फिग, यहाँ से आईपी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस मशीन में जाके यहाँ वेब ब्राउजर में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। आईपी डालने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, कॉलन करके इसका जो पोर्ट नंबर है 9090 को पोर्ट नंबर आपको यहाँ पर दे देना। आप यहाँ पर पोर्ट नंबर दे दो, इस तरीके से आपको यहाँ पर जो शो है वो यहाँ पर शो होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इंटरफेस, आपको जाना है कहाँ पर एडवांस में, और नीचे जाने के बाद आपको कर देना है यहाँ पर एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आपको इंटरफेस मिल जाएगा, इस तरीके से विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम जिसका आपको रिमोट लेना है वो यूजर नेम यहाँ पे पुट करना है, जैसे मैं रूट का ही ले लेता हूँ। पासवर्ड दे देना है आपको, तो पासवर्ड दे दो यहाँ पर एंटर, आई थिंक पासवर्ड रॉन्ग है, ओके दोबारा दे देते हैं। ठीक है, पासवर्ड आप एंटर कर दो और उस मशीन का रिमोट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये पूरा रिमोट आ गया, इस तरीके से पूरा आपको विंडो खुल के आएगा इस तरीके से। ये देखो ये सारा आ गया यहाँ पर राइट। तो मतलब हमने उस मशीन को, अब यहाँ पर हम ग्राफिकली चला रहे हैं अपने वेब ब्राउजर को, अलग से मैंने कुछ यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया। देखो क्लाइंट मशीन में वेब ब्राउजर मेरे पास पहले से अवेलेबल था, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से कोई ना कोई वेब ब्राउजर यहाँ पर अवेलेबल होता है, तो आपको सिंपली उसी वेब ब्राउजर को यूज कर लेना है। तो ठीक है, हम यहाँ आ चुके हैं वेब ब्राउजर में। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो आपको हेल्प दिखा रहा है, वन सर्विस हैज फेल्ड, एक सर्विस फेल हुई है, मेरा सीपीयू यूजेज इतना है, मेरा मेमोरी यूजेज इतना है, वीएमवेयर पे मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर मशीन को, बाकी आपको मशीन आईडी दिखा रहा है, अप टाइम इसका लगभग 1 घंटे से अप टाइम हो रखा है। यहाँ पर इसका होस्ट नेम क्लाइंट है, सिस्टम टाइम जो है वो उसमें ये हो रखा है, डोमेन जो है वो यहाँ पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है मैंने कोई भी। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे आपको टैब दिख रहे हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर सिस्टम के अंदर सबसे पहले ओवरव्यू में, आप लॉग्स में जाओगे तो यहाँ पर आप ग्राफिकली लॉग्स को पढ़ सकते हैं, जो भी इसके लॉग्स अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्लिक कर दिया और ये सारे लॉक्स जो हैं वो लोड हो रहे हैं। अब लॉक्स भी आपको यहाँ पर देखो सारे दिख रहे हैं, यहाँ पर फेल टू स्टार्ट, डीएनएफ में कैशे, या फिर ये सारी जो भी यहाँ पर आपको एरर, यहाँ पर प्रायोरिटी क्या सिलेक्ट है, एरर सेलेक्ट हो रखी है। आप यहाँ पर कुछ और ले सकते हो, जैसे वार्निंग, नोटिस, इन्फो। इन्फो ले लोगे तो और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो देखो मैंने इन्फो ले लिया यहाँ पर, इन्फो में देखते हैं। लेट इट बी कम्प्लीट। लोड हो रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे लॉक्स आ चुके हैं, देखो स्टार्ट टाइम एंड डेट, सर्विस, सिस्टम डी, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो देखो ये सारे लॉक्स जो है आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपको सारे लॉक्स दिख रहे हैं। लास्ट 24 आवर के मैंने यहाँ सेलेक्ट किए थे, तो लास्ट 24 आवर के मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बाकी मैं और लास्ट 7 डेज के देख सकता हूँ, करंट बूट, प्रीवियस बूट, ये सारे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। लॉक्स के बाद अगला जो यहाँ पर फील्ड है वो है स्टोरेज का। जब आप स्टोरेज पे क्लिक करोगे तो स्टोरेज में आपको इस पे स्टोरेज की इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे आपकी हार्ड डिस्क वगैरह सारी डिटेल्स आपको पार्टीशन की वो यहाँ दिखेगी। लोड हो जाने देते हैं इसे। स्टोरेज में आप यहाँ देखोगे तो देखो स्टोरेज में आपको यहाँ दिख रहा है सारा कि यहाँ पर मेरा फाइल सिस्टम जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि XFS में एक पार्टीशन ये बना हुआ है, स्लैश बूट है जो कि साइज इतना है, यहाँ पर SR0 मेरा, यहाँ पर ISO है मेरी, देखो यहाँ पर ISO टाइप दिखा रहा है, इसका साइज इतना है, यहाँ पर रूट पार्टीशन है XFS में उसका साइज इतना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिख रही है। टोटल यहाँ पर जो मेरे डिस्क है, जो ड्राइव है वो ये है, यहाँ पर 20 GB की, देखो वो भी आपको दिखा रहा है, ऑप्टिकल ड्राइव दिखा रहा है, यहाँ पर DBSR0 है। तो सारा सब कुछ डिटेल यहाँ पर स्टोरेज से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नेटवर्किंग में जाओगे तो नेटवर्किंग में चलते हैं, यहाँ पे लेट्स गो देखते हैं। यहाँ पर नेटवर्किंग में आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आपको दिखा रहा है, जैसे फायरवॉल है, फायरवॉल इस समय आपका ऑन हो रखा है, आप चाहो तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आप ये सारी चीजों को। फायरवॉल को आप यहाँ से ऑफ करोगे, देखो ऑफ हो जाएगा, ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर डेटा ट्रांसमिटिंग रिसीविंग की आपको यहाँ पर स्पीड दिखा रहा है, बाकी यहाँ पर देखो हमारा जो इंटरफेस है वो दिखा रहा है, ENS IP दिखा रहा है आपको, सेंडिंग रिसीविंग दिखा रहा है, हो रही नहीं हो रही है, नेटवर्क के जो भी लॉक्स हैं वो सारे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो नेटवर्क की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जा रही है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखो पॉडमैन कंटेनर दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये कंटेनर के लिए होता है। कंटेनर एक्चुअल में क्या होता है, आगे पार्ट में मैं प्रॉपर समझाऊंगा आपको, बट वर्चुअल मशीन की तरह ही एक कंटेनर भी यूज होता है, जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन कर सकते हो। तो ये पॉडमैन कंटेनर यहाँ पर यूज होता है, ये टूल है पॉडमैन, जो कि आपके कंटेनर को मैनेज करने के लिए होता है। यहाँ पॉडमैन की कंटेनर सर्विस जो है, तो देखो यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रखी है अभी तक, सर्विस एक्टिव नहीं है, सर्विस काम नहीं कर रही है, आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हो और यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो। तो एक अच्छा ऑप्शन है ये कॉकपिट का, जहाँ पे ये हम सारी की सारी चीजों को देखो ग्राफिकली भी मैनेज कर पा रहे हैं।
अगला ऑप्शन यहाँ पे देखो अकाउंट का दे रखा है, जहां पे आप अपने यूजर अकाउंट्स को देख सकते हो। तो मेरे पास एक रूट यूजर है, यहाँ पर यूजर 1 है, 2 है, 3 है एंड स्टूडेंट है, ये इतने यूजर है मेरे पास। नया यूजर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से क्रिएट भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे हेलो नाम का यूजर बनाना है, मुझे कुछ पासवर्ड देना है, कन्फर्म पासवर्ड कर दो यहाँ पर एंड यहाँ पर क्रिएट कर दो। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्रिएट भी कर सकते हो, बट पासवर्ड क्वालिटी ओके, पासवर्ड क्वालिटी यहाँ पर चेंज करनी है। तो यहाँ पर पासवर्ड क्वालिटी दे देता हूँ मैं 1 2 3, ओके एंड 1 2 3 एंड क्रिएट कर देता हूँ मैं। तो अभी क्या दिखा रहा है, क्वालिटी फेल्ड डिक्शनरी ओके। तो ये इस तरीके से एक्चुअली यहाँ पर जो है आपको एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देता हूँ मैं, एक पासवर्ड ये दिया मैंने, अभी चेक करते हैं, अभी हो जाना चाहिए। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, सो लेट्स सी। ठीक है देखो अभी यहाँ पर क्रिएट हो गया, तो हेलो यूजर यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी सारे चेंजेस कर सकते हो। सर्विस में जाओगे आप यहाँ पर, तो देखो सर्विस में जाने के बाद आपको यहाँ पर सारी सर्विसेज वगैरह जो है, जो हमने सिस्टम डी में पढ़ी थी, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो लोड हो जाने देते हैं। सर्विसेज में यहाँ पर देखोगे तो आपको देखो सारी सर्विसेज दिख रही हैं, जो स्टैटिक हैं, डिसेबल हैं, वो सारी यहाँ पर आपको सर्विसेज दिख रही हैं, राइट। यहाँ से आप सारी सर्विसेज को देख पा रहे हो। इसके अलावा आप यहाँ पर टारगेट्स देख सकते हो, जो भी आपके टारगेट्स हैं, सॉकेट्स हैं, आपके यहाँ पर टाइमर है, पाथ है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सारी चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगला ऑप्शन में आप यहाँ पर जाओगे तो देखो, जैसे ये सॉकेट आ गया आपका, अभी टाइमर आ गया है, यहाँ पर टाइमर करोगे तो टाइमर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला ऑप्शन यहाँ पर है आपका, देखो टूल्स में जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा रहा है एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशंस में अगर जाते हो यहाँ पर, तो देखो एप्लीकेशंस देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी आपको दिखाता है, जो कि आपको सिस्टम में अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, वो सारी यहाँ पर दिखाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस दिखा रहा है, जैसे इमेज बिल्डर है, इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, पॉडमैन इंस्टॉल्ड है, आप रिमूव करना चाहते हो तो कर सकते हो, सेशन रिकॉर्डिंग, यहाँ पर ये सारे आपको यहाँ पर एप्लीकेशन दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ सारे एप्लीकेशन देख रहे हो। अगला आप यहाँ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर जाते हो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो टूल है वो आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आपके डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन, इसका पूरी की पूरी जो भी आपको प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर, उस सबको जो है एक SOS रिपोर्ट बनाएगा। आपने शायद अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो SOS रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, जहाँ पर आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट जनरेट करके बताएगा आपके सिस्टम के बारे में, सिस्टम का एक तरीके से पूरा हेल्थ चेक करेगा। तो वो रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, राइट। यहाँ से देखो मैंने क्लिक किया तो ये जनरेटिंग रिपोर्ट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर और आपकी रिपोर्ट जनरेट कर देगा, राइट। तो अभी हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर कर्नल डंप का। तो कर्नल डंप एक्चुअल में देखो क्या होता है, कर्नल डंप के बारे में हमने पहले ही बात किया हुआ था। अगर कर्नल डंप का ऑप्शन आपका जो यहाँ पर इनेबल हो रखा है, और किसी वजह से आपके सिस्टम का जो कर्नल है वो किसी वजह से क्रैश होता है, तो उसके लॉक्स को क्रिएट कर देगा ये कर्नल डंप का ऑप्शन, मीन्स उसके लॉक बना लेगा किस वजह से आपका कर्नल क्रैश हुआ है, जिससे आप उसे एनालाइज कर सकते हो, आप उसकी रिपोर्ट भेज सकते हो रेड हैट को कि आपके सिस्टम में ये इशू आ रहा है। तो वो उसके लिए यहाँ पर कर्नल डंप का जो ऑप्शन है वो इनेबल होना जरूरी है, इससे ओपन हो जाने देते हैं। तो देखो यहाँ पर कर्नल क्रैश डंप जो है वो यहाँ पर अभी मेरे सिस्टम में जो है वो डिसेबल हो रखा है, बट आप चाहो तो इसे इनेबल भी कर सकते हो। तो वो ऑप्शन इनेबल कर दोगे आप तो आपके सिस्टम में ये काम करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर एसी लिनक्स का। तो एसी लिनक्स आई थिंक कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। आपका सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स बोलते हैं इसे, एसी लिनक्स को। ये आपके सिस्टम का एक फीचर है जो कि एक एडवांस सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है, ये आपके डायरेक्टरी लेवल पे, आपके प्रोटोकॉल लेवल पर सिक्योरिटी को अप्लाई करता है। इसके बारे में अलग से हम पूरा सेशन करेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं वो सारी चीजें करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए पूरा का पूरा मुझे एक सेशन चाहिए होगा, ये 2 वर्डों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो एसी लिनक्स यहाँ पर क्या है, सिंपली कि आपके यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, आप ऐसे लिनक्स देख सकते हो उसकी पॉलिसीज कौन कौन से डिफाइंड हो रखी है। तो यहाँ पर ऐसी लिनक्स पॉलिसी आप देखोगे यहाँ पर अभी इन्फोर्सिंग, यानी अभी देखो इनेबल हो रखा है, बाकी यहाँ पर आपको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट वगैरह सारा दिखेगा, बट अभी मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगले पार्ट में यहाँ अगला ऑप्शन जो यहाँ पर है वो क्या है आपका, सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट देखो तो ये चेक करेगा आपका चेकिंग सॉफ्टवेयर स्टेटस, तो लेट इट बी चेक। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में आपको ये बहुत सारी अपडेट्स दिख रही हैं, जो कि मेरे सिस्टम में रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पर इन्हें अपडेट कर सकता हूँ वैसे। तो आप इस तरीके से मॉनिटर भी कर सकते हो कि आपके सिस्टम में कौन सी अपडेट्स अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर 610 आपकी 610 अपडेट्स अवेलेबल है यहाँ पर, इंक्लूडिंग 88 सिक्योरिटी फिक्सेस।
राइट। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक अपडेट जो है वो अभी तक सेटअप नहीं है, आप इसे इनेबल भी कर सकते हो। आप इनेबल करोगे तो इससे ऑटोमेटिकली अपडेट ले लेगा। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर अपडेट। अगला सब्सक्रिप्शन देखते हैं। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन का स्टेटस दिखाएगा। यहाँ पर देखो, मैं सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक करो सब्सक्रिप्शन पर और लोड होने देते हैं इसे। तो देखो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आपके सामने ओपन हो गया है। सब्सक्रिप्शन में अब आपको यहाँ देखो क्या दिखाएगा। तो अभी सब्सक्रिप्शन स्टेटस मेरा करंट है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर, ये मेरा एक आईडी है, सब्सक्रिप्शन आईडी जिसके साथ में यहाँ पर ऐड हो रखा है। इनसाइट नॉट कनेक्टेड है यहाँ पर, बाकी सिस्टम परपज नॉट स्पेसिफाइड है यहाँ पर। इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पर रेड हैट लिनक्स दिखा रहा है, यहाँ पर सब्सक्राइब्ड है, राइट। मतलब यहाँ पर अभी सब्सक्रिप्शन मेरा ऐड हो रखा है। तो आपने इस तरीके से चेक कर सकते हो आप सब्सक्रिप्शन का स्टेटस भी। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर है आपको टर्मिनल का ऑप्शन है। टर्मिनल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दूसरे सिस्टम का जिसका आपने यहाँ पर रिमोट लिया हुआ है उसका टर्मिनल मिलेगा। यानी आप उसके बाद टर्मिनल को यूज करके कुछ भी कर सकते हो, राइट। क्योंकि हमें लिनक्स में क्या, अगर आपके पास सीएलआई तो आप सारे ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर टर्मिनल आ चुका है, आप यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, राइट। यहाँ पर देखो ये क्लाइंट सिस्टम है, जबकि मैं इस समय जिस सिस्टम पर हूँ वो मेरा यहाँ पर जो सिस्टम है वो है ये मशीन टू, राइट। और यहाँ पर ये इसका फायरफॉक्स है, यहाँ पर मैं किसे चला रहा हूँ, क्लाइंट सिस्टम को। तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी कमांड रन करोगे सिंपली यहाँ पर रन होगी। यहाँ पर आपको देखो पीडब्ल्यूडी सारी कमांड्स यहाँ पर रन हो रही है। इस तरीके से आप कॉकपिट का यूज करके पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकते हो। सारे ऑप्शंस के बारे में हमने देखा, जिसमें ग्राफिकल में आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसका यूज कर सकते हो आप अपने सिस्टम को मॉनिटर या मैनेज करने के लिए। तो काफी अच्छा ऑप्शन है इसका। अगर इसमें कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स गो।